खगड़िया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार को मानसी थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक अरविंद कुमार से दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों द्वारा 3,76,000 रुपये लूटने की वारदात का महज 6 घंटे में उद्भेदन कर लिया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता में खगड़िया पुलिस कप्तान मीनू कुमारी ने बताया कि लूट की इस घटना की सूचना के बाद खगड़िया सदर SDPO आलोक रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि सभी अपराधी धमारा घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए शहर से भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद अपराधियों द्वारा पुलिस बल पर गोलियां भी चलाई गई, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई और 3 अपराधियों को धर दबोचा। इन अपराधियों के पास से पुलिस को लूट की रकम में से 34,000 रुपये समेत घटना में इस्तेमाल की गई 3 मोटरसाइकिल, 1 देसी पिस्तौल, 8 जीवित कारतूस और 1 खोखा समेत 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। लगभग 10 बजे के आसपास मानसी थाना क्षेत्र में, जिसमें 3,76,000 रुपया एक CSP संचालक से लूट लिया गया था हथियार के बल पे। जैसा जो आवेदक है अरविंद कुमार, उनके द्वारा बताया गया था कि 3 बाइक में क्रमवार पहली बाइक पे 3 लोग, फिर दूसरी बाइक पे 3 लोग और तीसरी बाइक पे 2 लोग, तो कुछ कुल 8 लोगों के द्वारा नकाबपोश वाले स्थिति में आकर हथियार के बल पर 3,76,000 रुपया उनसे लूट लिया गया, जब वो घर से CSP केंद्र जाने के लिए निकले थे। जो अपराधी थे उनके द्वारा इनकी बाइक को धक्का मार दिया गया और ये नीचे गिर गए, फिर कट्टा का इस्तेमाल करके इनको डराकर इनसे राशि छीन ली। उसी क्रम में SDPO सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसमें डिटेक्शन हो और रिकवरी हो। उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि रोहियार जो है अपना क्षेत्र है, जो कात्यानी स्थान के आसपास का धमारा वाला जो इलाका है, वहाँ पर ये लोग स्टेशन पे के पास ये लोग ट्रेन से बाहर जाने की तैयारी में थे। कुछ इनके जो सहयोगी हैं वो सफल भी हो गए थे पहले, और कुछ लोग थे जो कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग निकलेंगे। उसी क्रम में SDPO सदर के नेतृत्व में टीम पहुंची और वहां पे जाके इन लोगों को आइडेंटिफाई करके दबोचने की कोशिश किया। उस क्रम में अपराधियों के द्वारा पुलिस बल के ऊपर भी एक फायर किया गया और पुलिस बल के द्वारा भी एक फायर किया गया, बट फाइनली 3 अपराधियों को पकड़ने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें कि वो व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है जिसने कि पुलिस बल के ऊपर फायर किया था। तीनों का नाम मैं बता रही हूँ, रंजन यादव, पेशर अनिरुद्ध यादव, साकिन रोहियार, ये यही है जिसने कि फायर किया था। उसके अतिरिक्त 2 लोग और हैं, सुबेन कुमार यादव, पेशर कामेश्वर यादव, सुबेन कुमार यादव, पेशर कामेश्वर यादव, और तीसरा पंकज शाह, प्रेसर संजय शाह, तीनों रोहियार के ही रहने वाले। पूरे घटनाक्रम में जो है एक देसी कट्टा जिससे कि फायर किया गया है वो बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद किया गया है, 1 खोखा बरामद किया गया है और 34,000 रुपया जो कि वो लूट की राशि का ही भाग है वो भी बरामद किया गया है, और 3 मोटरसाइकिल जो कि वादी के द्वारा भी बताया गया था, 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। खगड़िया पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही बचे हुए अन्य अपराधियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मनीष कुमार के साथ शमशेर बहादुर, आपकी आवाज़ न्यूज़, खगड़िया।